देखिए कुशल पंजाबी की आत्महत्या का पूरा मामला। टीवी एक्टर कुशल पंजाबी के अकस्मित निधन ने उनके दोस्त और टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। कुशल टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थे, साथ ही उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्में भी की। कुशल ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह की बात की जाए तो सोर्सेस का कहना है कि कुशल पंजाबी डिप्रेशन में थे। यूरोपियन पत्नी कुशल और उनके बच्चों को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से ही वो काफी परेशान थे। कुशल और उनकी पत्नी कानूनी तौर पर अलग होना चाहते थे, लेकिन डिवोर्स केस फाइल नहीं किया हुआ था। हालांकि अब तक कुशल की पत्नी जांच के घेरे में नहीं है, फिलहाल वो विदेश में ही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि कुशल के माता पिता फोन के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जब कुशल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया तो उन्होंने कुशल के दोस्त और एक्टर चेतन हंसराज को उनके घर भेज दिया। चेतन के पास कुशल के घर की एक चाबी भी थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कुशल पंखे से लटकते हुए नजर आए। उनके दोस्त और टीवी एक्टर चेतन हंसराज के अनुसार कुशल के ऐसा करने की वजह उनकी शादी और निजी जिंदगी में बढ़ती परेशानी थी। जब PeepingMoon.com ने चेतन से संपर्क किया, इस बातचीत के दौरान चेतन बहुत ही उदास और हताश लग रहे थे। उनकी आवाज में एक दोस्त को खोने का गम भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशल ने एक सुसाइड नोट भी अपने पीछे छोड़ा, जिस पर लिखा था कि उनके निधन के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराया जाए। जबकि कुशल ने अपनी सुसाइड नोट में अपनी जायदाद का बंटवारा भी किया है। बता दें कि कुशल के निधन के बाद उनके परिवार से उनके पापा विजय पंजाबी का बयान सामने आया है। अपने बेटे के अकस्मित निधन के लिए उन्होंने अपने बहू को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए बांद्रा पुलिस ने कुशल की डेड बॉडी को कस्टडी में ले लिया है। 26/12/2019 को 11:30 के आसपास जो ये इसम है कुशल पंजाबी, जो रहते हैं फ्लैट नंबर 31 थर्ड फ्लोर अलिफ बिल्डिंग बांद्रा, इन्होंने अपने घर में नाइलॉन की डोरी से गलफास करके आत्महत्या की। उनको भाभा रोगनाले लिया ले जाया गया, जहाँ पे ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड बाय द डॉक्टर्स। इस केस में एडी क्रमांक 154/19 दाखिल कर लिया गया है और आगे की तपास चालू है। खैर, कुशल पंजाबी के निधन से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहिए पीपिंग मून के साथ।